योनि का गिल्लापन और स्त्री उत्तेजित होना, इसका क्या संबंध है? इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। योनि का गिल्लापन जो है वो बहुत कारणों से होता है और वो नॉर्मल है। स्त्री की, कोई भी स्त्री की योनि गिल्ली है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत उत्तेजित है, उसको सेक्स से ज़्यादा इच्छा हो रही है या सेक्स के लिए वो तैयार हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योनि हरदम कुछ ना कुछ वहाँ सिक्रेट करती रहती है, योनि में कुछ ना कुछ सिक्रीशंस चालू रहते हैं। जैसे कि महावरी जब स्त्री की रहती है तो इसमें ओविलेशन होता है। ओविलेशन मतलब स्त्री बीज जो है वो फूटता है, वो तैयार होकर फूटता है, तो उस समय जो है उस समय ज़्यादा चिकट स्त्राव योनि में से बाहर आता है। फिर जैसा पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो जब स्त्राव आता है वो थोड़ा सा ऐसा लाल रेडिश रहता है या ब्राउन रंग का रहता है, और फिर पीरियड जब होते हैं, जब पीरियड चालू रहते हैं तब बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज क्लाउडी रहता है। क्लाउडी मतलब ऐसा वाइटी सफ़ेद क्लाउड जैसा रहता है, वैसा रहता है। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि ये जो योनि का डिस्चार्ज, जो योनि का स्त्राव जो है वो चालू रहता है, वो अलग अलग समय अलग अलग थोड़े थोड़े रंग बदलता है, थोड़ा थोड़ा जाड़ापन मोटापन कम ज़्यादा होते रहता है और चालू रहता है, वो नॉर्मल है। वो स्त्री उत्तेजित है या नहीं है वो नॉर्मल आता है, गिलापन नॉर्मल है। वो गिलापन क्यों होता है? क्योंकि वो जगह जो है योनि की वो साफ़ सुथरी रहना चाहिए, इसलिए वो गिलापन नेचुरल है, वो तो कुदरती है कि वो गिलापन होना चाहिए, ताकि वहाँ जो एरिया है वहाँ का एरिया हरदम नया बनते रहता है, तो पुराना एरिया निकाल देना वो निकल जाता है और नया चालू होता है। अभी ये जो योनि का स्त्राव है, योनि का स्त्राव बढ़ता है जब वो सेक्स के समय बढ़ता है, जब फोर प्ले करते हैं, जब सेक्स की शुरुआत करते हैं, फोर प्ले करते हैं, प्रणय करते हैं, तब योनि का स्त्राव ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। क्या होता है कि योनि के चार, फोर ओ क्लॉक पोजिशन और आठ एट ओ क्लॉक पोजिशन, ऐसे दो जो है फोर और एट ओ क्लॉक पोजिशन घड़ी की, तो वहाँ दो ग्लैंड रहती है, उसको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन होता है जब स्त्री उत्तेजित होती है तो, और वहीं स्किनिस ग्लैंड होती है, तो स्किनिस ग्लैंड का भी सिक्रीशन होता है जब स्त्री उत्तेजित होती है तो। तो ये जो ग्लैंड का सिक्रीशन, एक तो वजाइनल डिस्चार्ज जो है नॉर्मली भी होता है और उत्तेजित होगी तो और ज़्यादा होता है। आठ घंटे में ऐसा पाया गया है कि आठ घंटे की साइकिल कि आठ घंटे में कितना स्त्राव एक स्त्री को होता है, तो स्टडी में पाया गया कि आठ घंटे में जो स्त्राव होता है वो करीब करीब डेढ़ या दो ml हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका मतलब ऐसा है कि पूरे 24 घंटे में कितना होता है, तो एवरेज में उनको ये समझ में आया स्टडीज़ में कि 4.6 ml, मतलब छोटा जो चाय का चम्मच रहता है वो चाय का चम्मच डेढ़ चम्मच वगैरह ऐसा आप समझ चलो, 4.6 ml का डिस्चार्ज 24 घंटे में होता है कोई भी स्त्री को, ये नॉर्मल है, सेक्स करने से ज़्यादा होता है। वो स्त्री में ऐसा भी पाया गया है कि 2.5 ml से लेकर 10 ml तक होता है, अलग अलग स्त्री को अलग अलग, मतलब कोई स्त्री को 2.5 ml होता है, कोई स्त्री को 10 ml होता है। अभी इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा फर्टिलिटी में होता है। फर्टिलिटी में मतलब जो स्पर्म जब अंदर जाते हैं तो स्पर्म का अंदर जाना और उनकी अंदर तक की यात्रा, उसके लिए काम में आता है फर्टिलिटी में। दूसरा, साफ सफाई रखने में वो काम में आता है कि ऑटोमेटिकली जब वो स्त्राव होता है तो अंदर का एरिया धुल जाता है, साफ रहता है अंदर का बाहर का। तीसरा, ये जो स्त्राव होता है उससे सेक्स अच्छा होता है, सेक्स के लिए लिंग का योनि में प्रवेश होना बहुत जरूरी है और वो प्रवेश आसानी से होता है क्योंकि वो एरिया चिकना होता है, जितना ज़्यादा स्त्राव उतना योनि में लिंग का प्रवेश जल्दी, फास्ट और आसानी से होता है। और चौथा जो है वो वजाना क्लीन रखने में ये काम करता है। तो ऐसे अलग अलग इसके फायदे हैं, ये योनि का स्त्राव जो होता है उसके, और वो फायदे होते हैं, उसमें कोई एबनॉर्मल नहीं है। मगर यदि उसका पास आने लगा ज़्यादा सफ़ेद पानी, बहुत हमारी तरफ बहुत लेडीज आती है क्योंकि बहुत सफ़ेद पानी जा रहा है, सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है और उसका पास भी आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर देखना चाहिए कि वहाँ कुछ इन्फेक्शन है क्या, वहाँ कोई सूजन आई हुई है क्या। क्योंकि यदि बांस आता है गंदा और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो स्त्राव यदि होता है तो आपको ये देखना होगा कि भाई बहुत ज़्यादा वहाँ इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, बैक्टीरियल है, फंगल इन्फेक्शन है, क्या है वो देखना पड़ेगा, तपासना है और वो हिसाब से उसका इलाज करना है। जो स्त्री बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहती है हरदम और ज़्यादा सेक्सी रहती है तो उनको ज़्यादा नेचुरली ज़्यादा फॉल होता है, ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज होता है, मगर वो नॉर्मल है उनके लिए, वो नॉर्मल है।
क्योंकि उसका यदि गंदी बांस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा जो मतलब सेक्स के समय जो बाहर आता है फ्लूइड उसको स्क्विरिट भी बोलते हैं, स्क्विरिटिंग, और वो भी नॉर्मल है स्क्विरिटिंग, उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बना कर दिया हुआ है। तो ये वजाइनल डिस्चार्ज ये नॉर्मल है, वजाइनल डिस्चार्ज होना स्वाभाविक है, 24 घंटे होते रहता है, उससे इन्फेक्शन कम होता है और प्रॉब्लम्स मतलब क्लीन रहने से प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। उम्र जैसे जैसे स्त्री की बढ़ जाती है वैसा वैसा यह स्त्राव कम होता है, इस्ट्रोजन की लेवल उम्र के हिसाब से कम होती है और फिर वहाँ ड्राइनेस होता है। ड्राई मतलब एकदम सूखा सूखापन, सूखापन हो गया तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सूखा हो गया तो, और दूसरा सूखा है तो सेक्स नहीं कर पाते। इसलिए फिर जब औरत ज़्यादा एजेड होती है और जब सूखापन आता है तो फिर लूब्स का इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट्स, वजाइनल लुब्रिकेंट्स, वजाइनल जेली, कि जो वहाँ लगा दिया तो चिकनापन आता है और लिंग अंदर फिसल जाएगा, जल्दी सटक जाएगा अंदर। अदरवाइज बाकी रूटीनली यदि वो ड्राई है सूखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहाँ वजाइना में साफ सफाई रखना ये अनिवार्य है, क्योंकि साफ सफाई रखते नहीं है और वहाँ इन्फेक्शन है समझो वो बढ़ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अंगार होना मतलब बर्निंग पेन होना या पेशाब में पेन होना, वैसे 24 घंटे दर्द रहना, इसका मतलब यह है कि कुछ तो भी वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह करके उसका इलाज करना चाहिए। अदरवाइज वजाइनल डिस्चार्ज के लिए कोई तकलीफ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। यदि आपको इसके बारे में कुछ सवाल होंगे, बहुत सारी महिलाएं हमारे पास में आती हैं उनको सेक्स की इच्छा नहीं होती है, उल्टा होता है, डिस्चार्ज ही नहीं होता है, सूखापन रहता है और फिर तकलीफ होती है सेक्स में, तो ऐसे किसी को भी कंसल्ट करना है तो नीचे नंबर दिए है, नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैलाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए, तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वह गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज, ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।